हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल गोल्डन मेमोरीज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डायरेक्टर रमेश सिप्पी सर की सभी डायरेक्ट की गई फिल्मों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रमेश सिप्पी सर ने अपनी डायरेक्टर करियर की शुरुआत साल 1971 में आई अंदाज फिल्म से करी थी और इस फिल्म के लीड कास्ट में हमें नजर आए थे शम्मी कपूर, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना और सिमी गेरेवल। बजट थी दोस्तों इस फिल्म की 1 करोड़ की। अपने भारत से फिल्म ने कमाई थी 4 करोड़ की और रमेश सर की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। इसके बाद 1972 में इनकी फिल्म आई सीता और गीता। फिल्म में नजर आए हमें हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, संजीव कुमार और रुपेश कुमार। बजट थी फिल्म की 1.5 करोड़ की। फिल्म ने अपने भारत से कमाई थी 3.5 करोड़ की। वहीं दुनिया भर से इसने 19.53 करोड़ की कमाई करी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से यह बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद रमेश जी की फिल्म आई थी शोले। इस फिल्म के लीड कास्ट में हमें नजर आए थे धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया भादुरी, संजीव कुमार और अमजद खान। वहीं बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में तो इसकी बजट थी 3 करोड़ की और फिल्म ने अपने भारत से कमाई थी 15 करोड़ की। वहीं इसने दुनिया भर से कमाई थी 35 करोड़ की और दोस्तों सिप्पी सर की यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 1980 में आई थी शान। इस फिल्म में हमें नजर आए थे सुनील दत्त, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी गुलजार और परवीन बाबी। वहीं इसे 4.20 करोड़ की बजट से बनाई गई थी। भारत से इसने कमाई थी 4.25 करोड़ की और दुनिया भर से इसने कमाई 6.5 करोड़ की और दोस्तों कमाई के हिसाब से यह एक बिलो एवरेज फिल्म साबित हुई। इसके बाद 1982 में इनकी फिल्म आई शक्ति। फिल्म में नजर आए हमें दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, समिता पाटिल और अमरीश पुरी। बजट थी फिल्म की 3 करोड़ की। भारत से कमाई इसने 4 करोड़, वहीं दुनिया भर से इसने कमाई 6.10 करोड़ और यह एवरेज रही। इसके बाद 1985 में इनकी फिल्म आई सागर। फिल्म के लीड कास्ट में थे ऋषि कपूर, कमल हसन और डिंपल कपाड़िया। बजट थी फिल्म की दोस्तों 1.90 करोड़ की। अपने भारत से कमाई इसने 4.23 करोड़, वहीं दुनिया भर से इसने कमाई थी 7 करोड़ की और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद 1989 में इनकी फिल्म आई भ्रष्टाचार। फिल्म के लीड कास्ट में हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, अनुपम खेर और रजा मुराद। बजट थी फिल्म की 1.22 करोड़ की। भारत से इसकी कमाई हुई 2.08 करोड़ और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1981 में रमेश जी की फिल्म आई अकेला। इस फिल्म में हमें नजर आए अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, मीनाक्षी शेषाद्री और आदित्य पंचोली। वहीं बजट थी फिल्म की 4.90 करोड़ की। भारत से कमाई इसने 5.60 करोड़ की और दुनिया भर से इसने कमाई 7.80 करोड़ की और यह बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही। इसके बाद 1995 में आई जमाना दीवाना। इस फिल्म में नजर आए थे हमें शाहरुख खान और रवीना टंडन। बजट थी फिल्म की 4.75 करोड़ की। भारत से इसने कमाई 4.68 करोड़ और दुनिया भर से 8.32 करोड़ की कमाई करी। इसी के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2020 में रमेश सिप्पी सर की फिल्म आई शिमला मिर्ची। फिल्म के लीड कास्ट में हमें नजर आए थे राजकुमार राव, राकुल प्रीत सिंह और हेमा मालिनी। वहीं इस फिल्म की बजट तो थी 15 करोड़ की लेकिन अपने भारत से इसने कमाई मात्र 35 लाख और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। तो दोस्तों, यह था रमेश सिप्पी सर की डायरेक्ट की गई सभी फिल्मों की लिस्ट। आपने इन सभी फिल्मों में से इनकी कौन सी फिल्में देखी है हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।